हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। मेरा नाम उजैर यूनुस है और आज काफ़ी टाइम बाद मेरे साथ मौजूद हैं अली खिदर साहब। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो अली, यू शुड फॉलो हिम ऑन सोशल मीडिया। ही राइट्स फ्रीक्वेंटली फॉर बिजनेस रिकॉर्डर एज वेल एंड समबडी जिनका जो एनालिसिस है इकॉनमी के ऊपर, उसकी इंटरसेक्शन विद पॉलिटिक्स बड़ा ऑन पॉइंट होता है। कभी कभार अली भाई को हमारी तरह ट्विटर पे थोड़ी गालियां भी पड़ती हैं, लेकिन दैट्स पार फॉर द कोर्स अली भाई। बट काफ़ी टाइम बाद आपसे पॉडकास्ट पे बात हो रही है, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। और आपके साथ मैंने आज इम्पोर्टेड कॉफी का जो कप है वो भी रखा हुआ है कि करंट अकाउंट डेफिसिट पे बात की जाए। तो क्या हाल है आपके और क्या हुआ कल? आज हम बात कर रहे हैं, फ्राइडे इवनिंग है आपकी, मेरी फ्राइडे सुबह है। कल रात को पूरा पूरी शाम रात प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, डील होने वाली थी, एंड में टाइम टाइम फिश हो गया। व्हाट हैपेंड? देखिए, जो एक्सपेक्टेड थी बातें वही हुई है, लेकिन हमारे यहाँ एंटीसिपेशन जो थी वो ज्यादा बनाई गई थी। आप देखिएगा तो मैं तो कई दिनों से लिख रहा था, और जो वाइब्स IMF की तरफ से आ रही थी और जिस तरह के प्लान्स गवर्नमेंट शेयर कर रही थी, उसमें ये लग रहा था कि ये अभी MEFP ही सेटल होगा और SLA जो होगा वो कुछ दिन बाद होगा। बट यहाँ पे शायद उम्मीद ऐसे थी कि SLA हो जाएगा और खुशखबरी सुना दी जाएगी, तो ये एक मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशन का ज्यादा फुकदान है यहाँ पे, किसी और चीज का नहीं। पहली बात ये कि अगर आप एक्सपेक्टेशन ही आप ठीक रखते तो ये चीज ना होता। बट तो सवाल जो ये आता है कि कल जो MEFP शेयर किया गया है उसके अंदर वो किस मोमेंट पे शेयर किया गया है। वो रात में शेयर किया गया है जबकि वजीर खजाना खुद आके कहते हैं उन्हें सुबह 9 बजे शेयर किया गया है। मेरी इत्तला के मुताबिक उनके साथ रात में शेयर किया गया, और रात में शेयर करने के बाद उन्होंने जब देखा है कि उसमें काफी ज्यादा गैप्स है, जो गवर्नमेंट समझ रही थी कंसेशन मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि जी इसको हम देखेंगे करेंगे और इसमें लेके चलेंगे और उसके ऊपर आगे कुछ वर्चुअली बात करेंगे। तो ये अगर वर्चुअली बात चलती है, एक आध हफ्ते में हमारा प्रोग्राम हो जाता है साइन, तो हम अपने उस पाथ पे आ जाएंगे। और अगर इसमें नहीं लगता और कोई उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर एक बड़ा मेसी डिफॉल्ट है। इस वजह से ज्यादा चांसेस है कि हमारी साइड पे, पाकिस्तान की साइड पे, जो भी मुमकिन होगा वो किया जाएगा। अब सवाल है कि कंडीशन कितनी और उसमें कितना पाकिस्तान की साइड पे है। जैसे आपकी कंडीशंस में जो तीन मेन चीजें हैं, एक आपकी फिस्कल साइड है, एक आपकी उस फिस्कल एंड एनर्जी, एक मॉनिटरी एंड एक्सचेंज रेट। ठीक है, इन पे तो गवर्नमेंट मान गई, एक्सचेंज रेट ऑर्गेट मार्केट बेस्ड हो गया। अब फिस्कल की और एनर्जी की जब एडजस्टमेंट होगी तो इंटरेस्ट रेट भी ऊपर चले जाएंगे। इस पे तो इशू नहीं है कुछ, मतलब IMF सख्त रहा, इन्होंने कोशिश की कि वापस आ जाए, IMF वापस नहीं आ रहा, तो इन्हें ये कड़वी गोली हर सूरत में लेनी पड़े। इसके बाद एक और जो चीज है वो है क्रॉस फाइनेंसिंग नीड की। हमने जो एक 8वें रिव्यू में जब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक चीज उस वक्त एग्री की थी कि भाई हम जो है 8वें रिव्यू के बाद ये कि जब जून में जाएंगे तो हमारे रिजर्व्स होंगे 16 बिलियन के, और अब वो एक एक गैप, मिनिमम गैप इस वक्त आ रहा है 3 बिलियन पे बैठे हुए हैं जो फाइनेंसिंग नीड है हमारी, और जो हमारी जो हमने मतलब रोपे करना है, जो बाहर से आना है, उसको मिला के कम अज कम 8 बिलियन का गैप है, और ये 8 से ज्यादा भी हो सकता है। जो IMF ने अभी दिया है, जो मेरे अभी मुझे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मिनिमम 8 का गैप है मिनिमम। और आप देख रहे हैं कि मार्केट की जो वहां पे DC में और जो बाहर लंदन में रीड बता रही है कि शायद ये गैप ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर वो ऐसा गैप है और वो आप नहीं फाइनेंस कर सकते तो फिर तो आपके बस में ही नहीं है ना चीज। लेकिन इन एनी केस For you to go and ask those countries for help, it could be China, it could be Saudi Arabia, another GCC countries, you need to take those two steps, energy fiscal, monetary exchange. ठीक है ना, और वो का कुछ एक्सचेंज हो चुका है, मॉनिटरी हो जाएगा, ये भी यू हैव टू टेक इट। फिर भी सिचुएशन आपके अपने हाथ में नहीं है, दैट इज अ ग्राउंड रियलिटी। अच्छा, इसके अंदर दो चीजें, मेरे दो बड़े सवाल हैं आपसे, बिकॉज यू आर क्लोज। 8 बिलियन का अगर गैप, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि लास्ट वीक खुर्रम से मेरी बात हुई तो हमने कहा 5 बिलियन अगर आ भी जाते हैं तो जून तक आप यूर बैक टू स्क्वायर वन, 3 अरब से या 2.5 अरब के आपके पैसे हो जाएंगे, क्योंकि 2 से 2.5 अरब तो कंटेनर्स पे स्टक हैं, 3 बिलियन आपने वापस देने हैं, तो 5.5 बिलियन तो यही हो गया। उस पर आप 0.5 बिलियन महीने का करंट अकाउंट डेफिसिट रन करना शुरू कर दें तो यू आर बेसिकली डन विद द मनी दैट कम्स इन टुमारो, अगर हम कहें तो। 8 में भी सिमिलर सिचुएशन है।
तो आई एग्री विथ यू के सिचुएशन इज नॉट इन योर हैंड। हम एक चीज इसके अंदर एक्सपेक्टेशंस की जो आपने बात की, ये एक्सपेक्टेशन बढ़ाई किसने, क्या लोकल मीडिया ने, जर्नलिस्ट ने, आप जैसे लोगों ने जिनको गाली पड़ती है एंड में, क्या आप ज्यादा बात कर देते हैं, चला देते हैं, जराए ने कहा, या जहां तक मैंने सुना है, वुड लव फॉर योर टेक ऑन दिस, कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्सपेक्टेशन बढ़ाई थी इस बात की कि डील हो जाएगी, डील हो जाएगी, और उन्होंने ही लीक किया था टू इन अ वे बुली द IMF इनटू अ डील, एंड द IMF डिड नॉट बाय दैट नैरेटिव एसेंशियली। क्या यही हुआ है? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए मेरे बारे में आप मेरे आर्टिकल पढ़ लें पिछले 2 हफ्ते के अंदर जो लिखे हुए हैं उसमें ये हर जगह पे यही हो रहा है कि जी MEP हो जाएगा लेकिन SLA इज नॉट लाइकली इन दिस। और कल भी मैंने जब MEP शुरू हुआ उसमें भी कहा था SLA नहीं होगा, तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो इस तरह की थी। और जर्नलिस्ट में जो जो सबसे ज्यादा शहबाज जो लिखता है, शहबाज को भी मैं रेगुलरली पढ़ रहा हूँ, शहबाज ने भी कहीं पे अपने किसी आर्टिकल में ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं लाई। मेहताब ने भी लिखा, उसने भी कहा कि नॉट गुड वाइब्स कमिंग फ्रॉम देयर। और बाकी आप जो भी मार्केट में लोग हैं जितने मतलब है, मेरे ख्याल में फाइनेंशियल जर्नलिज्म के लोगों ने नहीं किया, टीवी पे लोगों ने किया होगा तो मैंने मुझे नहीं पता उनका। बट और दूसरी बात, ये जाहिर बात है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो लो आ रही थी सोर्सेज वो ये आपको ये बता रही थी जबरदस्त। और आप मार्केट के स्टॉक मार्केट की मूवमेंट देखें उसमें जिस तरह वॉल्यूम्स आ रहे थे स्टॉक मार्केट में, देखिए मार्केट की मूवमेंट में इंडेक्स से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वॉल्यूम्स की बोलो। होती है। जिस तरह से सीरियस वॉल्यूम्स पिछले 2-3 हफ्ते में जनरेट हुए हैं ना अक्रॉस द PUGDC वगैरह में, दैट टेल्स यू दैट द स्मार्ट मनी दैट सेंस इन दैट है वो आ रहा था। तो उसने वो जो बात थी ना उसको फर्दर स्ट्रेंथन किया था। तो ये सूरत हाल थी। और इसमें मार्केट में जो स्टॉक मार्केट के लोग थे बहुत ज्यादा बुलिश थे क्योंकि उन्होंने वो जो वो बिल्टअप देखा है ना। और आज भी इवन देखें तो आज भी ये है कि मार्केट नीचे गिरी है बट वॉल्यूम्स नहीं है, मतलब मार्केट में ये है कि अभी भी लोग हैं, बायर्स हैं। तो देर आर पीपल हु आर बाइंग, देर आर पीपल हु आर बाइंग दैट स्टोरी। मैंने भी आपको कहा कि हुकूमत की तरफ से तो ये है कि सब कुछ कर देंगे, चाहे वो जितना थोड़ा और तरसा तरसा के करे, जो नहीं करना चाहिए जो हम सब बात कर चुके हैं कि पिछले 4-5 महीने में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और उसमें हम आप कहेंगे तो बात भी कर सकेंगे। बट अब हुकूमत तैयार हो चुकी है सब कुछ करने के लिए, कुछ चीजें अब ऐसी है कि जो आपके हाथ में नहीं है। सो वो चीजें हैं वो मार्केट शायद अभी प्रॉपरली एंटिसिपेट नहीं कर रही और उसी की ट्रांसलेशन एक जनरल परसेप्शन में बिल्टअप हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर फिर मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, आपने भी पढ़ी IMF की जो आई, मुझे एक दो चीजें बड़ी अजीब सी लगी, बिकॉज आई वॉज कंपेयरिंग इट टू द May 25, एंड अगेन फॉर द ऑडियंस हु डज नॉट नो द टाइमलाइन, जो अली बात कर रहे हैं, मे के अंदर भी कंक्लूजन के बाद SLA होने में 2.5 हफ्ता लगा था। तो बट दैट स्टेटमेंट वॉज फार मोर पॉजिटिव, और अली उस वक्त जो है रिजर्व्स की सिचुएशन भी काफी बेहतर थी कंपेयर टू राइट नाउ। तो 2 हफ्ते तो नहीं है पाकिस्तान के पास, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट दैट, बट वी विल गेट टू दैट इन अ बिट। जो टोन है स्टेटमेंट की, ऊपर पहले ही लिख दिया उन्होंने कि दिस विल नॉट लीड टू अ बोर्ड लेवल कॉन्वर्जेशन, फिर परमानेंट टैक्स मेजर्स की बात की, फिर कहा प्राइम मिनिस्टर को का टाइटल यूज किया, फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं किया, विच आई एटलीस्ट रीड इन टू इट अलॉट बिकॉज देर इज अ प्रॉब्लम देयर। एंड इन 3 चीजों पर आई वुड लव योर थॉट्स, टोन ऑफ द स्टेटमेंट, ये परमानेंट टैक्स रेवेन्यूज की बात क्या मतलब वो कर रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, और ये जो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन द IMF मिशन चीफ एंड एंड द फाइनेंस मिनिस्टर, एम आई रीडिंग टू मच इनटू दिस, और डज दिस एक्चुअली एग्जिस्ट इन इन एज वी स्टैंड टुडे? आप यह स्पॉट ऑन, ये तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें हैं कि अभी ये तीनों प्रॉब्लम्स है कि अभी जो है देर आर थिंग्स विच यू नीड टू डू जिसके बाद ही आप बोर्ड लेवल पे जाएंगे, यानी कि देर आर थिंग्स टू डू जिसके बाद SLA का एग्रीमेंट होगा, ठीक है ना, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। तो वो उसके लिए आपको एनर्जी की चीज चाहिए और फिर एनर्जी के करने के बाद अगर आपका स्टाफ लेवल हो जाता है तो फिर ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड पूरी करेंगे तो बोर्ड तक जाएगा। तो देर आर स्टेप्स। अब आप अगर IMF को देखें तो लेटली IMF दुनिया भर में मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, आप तुनिसिया में देखें, आप और जगहों पे देखें, जिस तरह से IMF इस वक्त अपनी चीजों पे बहुत ज्यादा जो बात कह रहे हैं वो टू द डॉट ले रहा है और बोर्ड के लेवल पे जाके भी चीजें वापस आई हुई हैं। सो नथिंग कैन बी ग्रांटेड इन दिस सिनारियो ऑफ टुडे वेयर देर इज अ ग्लोबल प्रेशर, देयर डिफॉल्ट्स कमिंग लाइक एनीथिंग, फ्यू इकोनॉमीज हैव डन दैट, Q's are on the line like Pakistan, और everybody is looking at the IMF and friends and all that. तो वो चीज इस वक्त और ग्लोबल क्राइसिस सबको हिट कर रहा है। तो
तो वो चीज तो इस वक्त बड़ी क्लियर है कि IMF इज नॉट रेडी टू बच एट ऑल, IMF इज नॉट रेडी टू टेक एनी ऑफ योर BS, and you need to get back to what you are required to do. And this is not just ki yaar ye the finance minister hi sirf hai, this has been going on since 2007 at least, we can talk on that. But yes, jo pichle 5 mahine hai wo bade kharab hai, aur 2016-18 ka jo time tha, aur abhi finance minister jis tarah se wo engage kar rahe hain us tarah se is waqt trust level IMF ka finance minister ka bahut hi low level pe, that's why prime minister bhi hai. और जो तीसरी बात आपने परमानेंट टैक्सेस की बात की, आप मेरे आर्टिकल्स में देखें, मैं उसके लिए वर्ड यूज करता रहा हूँ, क्वालिटी टैक्सेस, सस्टेनेबल टैक्सेस, तो वो परमानेंट इज अनदर वर्ड फॉर दैट. जैसे GST को आप 18% कर दे, आपने भी पीछे क्या किया जी, सुपर टैक्स लगा दिया, बैंक बड़ा पैसा बनाते हैं जी, बैंक के इस चीज पे टैक्स लगा दो, वो बड़ा पैसा बना रहा है उस पर लगा लो, ये कर दो, ये ना वन ऑफ कर दिया, रेट्रोस्पेक्ट भी कर दिया. उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, जो आप टैक्स कलेक्ट कर सके और जो आगे आप लेके सस्टेन कर सके, तो उस तरह के और ये ऐसी चीजें हैं सुपर टैक्स टैक्स वाली जो कोर्ट्स रिवर्स कर देते हैं. तो उन्होंने कहा है कि नहीं, आपने पार्लियामेंट से जाके जो है हाई क्वालिटी जो आप लिख रहे थे, और ये कह रहे हैं परमानेंट मेजर, सेल्स टैक्स, पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी है, उस पर सेल्स टैक्स लगाना है, वगैरह वगैरह आपने करना है काम. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. और पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे, आपने बेसिकली फिस्कल गैप ज्यादा है उसको आपने फुल करना है, और उसको फिल करना है कि वो बढ़ते रहे, क्योंकि तो अभी आगे एक और प्रॉब्लम आ रहा है. अब आपकी जो इम्पोर्ट्स है वो तकरीबन इस वक्त मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है, सिर्फ 5 सेक्टर्स को इम्पोर्ट अलाउ हो रही है, पेट्रोलियम, क्रूड, उसके साथ आपका फार्मा, उसके बाद आपका वीट, और फिर आपका जो कॉटन एक्सपोर्ट्स के लिए, और 5वीं डिफेंस की कोई भी उसके रिलेटेड जो भी गुड्स हो सकती हैं वो इम्पोर्ट हो रही है, तो पैकेजिंग तक इंपोर्ट बंद हो चुकी है. तो आहिस्ता आहिस्ता जितनी इंडस्ट्री जो चल रही है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम चलेगी और बंद होने लग जाएगी, तो वो जब होगी नहीं, इम्पोर्ट नहीं होगी, टैक्स आप कहाँ से देंगे, टैक्स आपकी कलेक्शन और भी हैम्पर होगी, इस वजह से जो कंजम्पशन पे टैक्सेस आपको और भी बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है इस वक्त. अच्छा, इसमें एक चीज जो बिफोर वी गो के पिछले 5 महीने क्यों खतरनाक थे, इस पे हम बात करते हैं आफ्टर राइट आफ्टर दिस वेरी क्विक क्वेश्चन आई हैव. के अभी जो मैंने एक दो टेबल्स देखे उसके अंदर ये स्टेटिस्टिकल डिस्क्रेपेंसी थी 380 अरब रुपए की, 383 बिलियन रुपीज. ये बड़ी मुझे एटलीस्ट स्ट्राइकिंग लगी, बिकॉज ये कहाँ से नंबर आया और ये क्या है. और हम सुन भी रहे थे, एटलीस्ट मैं सुन रहा था कि देर वॉज डिसएग्रीमेंट ऑन द नंबर्स दैट वर बीइंग पोर्ट्रेड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड हाउ द IMF वाज व्यूइंग देम एज वेल. तो डू यू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन व्हाट दिस डिस्क्रेपेंसी इज, और क्या ये नंबर्स का इशू क्या है इसके अंदर, और इज दैट बीन रिजॉल्व? आई थिंक वो डिस्क्रिपेंसी जिस चीज की है मैंने उसको इतना फॉलो अप नहीं किया, बट कि ये जब भी इतफाक रहा है कि इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ये डिस्क्रिपेंसीज के नंबर बढ़ जाते हैं. मुझे याद 2016 का 2017-18 के वक्तों में भी ये डिस्क्रिपेंसीज बहुत ज्यादा होने लग गई थी और उसमें चीजें छुपाई जाती थी, बट इवेंचुअली वो सामने आ जाती है. तो मैंने अभी उसको डिक नहीं किया कि उसकी डिस्क्रिपेंसीज में क्या है, कि उसको डिक करने के लिए फिर आपको वो थोड़ा फाइनेंस मिनिस्ट्री के चक्कर लगाने पड़ते हैं और वो करना पड़ता है, तो वो नंबर्स में तो वो चीज नहीं. बट ये एक पैटर्न है कि डार साहब जब आते हैं तो अकाउंटिंग में जो है थोड़ी हेरा फेरी होने लग जाती है अचानक से. हाँ, मतलब डिस्क्रिपेंसीज तो बढ़ती है. तो अब उसके अंदर आते हैं कि ये बात तो ऑब्वियसली इस पॉडकास्ट पे काफी गेस्ट ने की, आप लिखते आए हैं, मैं भी लिखता आया हूँ, कि ये पिछले 5-6 महीने जो हुए बड़े खतरनाक, बड़े डैमेजिंग. पाकिस्तान credibility was, in my view, I'll give you my thesis, credibility was destroyed, economic certainty and stability was destroyed, credibility in front of bilateral creditors was destroyed, and in the domestic market, aapke jo local economic actors hain, they basically have now given up and dollarized like nothing because of the last 4-5 months. Why was this period so damaging in your view, and what are the implications long term, right? Because ek log samajhte hain jo hamari tarah in the details nahi hote, wo samajhte hain ye light switch ki tarah hai ke aapne thoda sa damage kar diya wiring ko, light switch on kar diya to chalega bulb, to phir bhi chalega, halanki economy aise nahi chalti. Aap ek dafa credibility destroy kar dein to bahut time lagta hai recovery mein. But aapka kya specific thesis hai ke kyun pichle 4-5 mahine itne damaging the? अच्छा, मैं इसको 4-5 महीने पे नहीं लेके जाऊंगा, मैं इसको तकरीबन यहाँ से आप 11 महीने पीछे चले जाएं तो वहां से ये शुरू होगा सिलसिला, और उसमें एक मिसट्रस्ट और रेकलेस पॉलिसीज जो है ना
उसकी एक कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है जी, आपका ये फरवरी 2022 से ये स्टार्ट शुरू होता है कि जहाँ पे वीएनसी का एक सक्सेसफुल होती नजर आती है, तो उस वक्त जो हुकूमत है वो पेट्रोलियम प्राइसेस को फ्रीज कर देती है और एनर्जी की और बिजली की कीमतों को कम कर देती है। अच्छा, उस वक्त के हिसाब से वो जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो आईएमएफ को कहा, आईएमएफ ने उनकी बात को एग्री किया, उन्होंने पब्लिक को जो भी कहा उन्होंने कहा कि देखिए जी, ये इस वक्त हमारा ये सिलसिला है, इतना गैप है और हमारे ये इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, और अगर ये प्राइसेस ऊपर गई तो हम इसको बढ़ा देंगे, और हमारा ये है कि हम पब्लिक में ये जा कह रहे हैं अप्रैल तक हम आपको ये करके दे दें। ठीक है, अब वो आप शुरू हुआ और अप्रैल जब आई तो उस वक्त हुकूमत ने हाथ शिफ्ट की और उस वक्त ही वो कीमतें जो है ऊपर चढ़ने लगी, यानी मार्च के एंड से चढ़ रही थी और अप्रैल में जाके को एंड में अप्रैल के जाके पीक पीक कर गई, और इन्होंने मई के एंड तक उसको चलाते रहे और उसको चलाते रहे और उसमें एक एक बहुत बड़ा सब्सिडी का एलिमेंट बन गया। तो एक ये पूरा रेकलेस एक सिलसिला था कि पहले, लेकिन जो पहले जो सब फाइनेंस मिनिस्टर थे वो एक एक बात करते थे, वो आईएमएफ नहीं मानता था लेकिन जो बात करते थे वो बात करते थे। ये जो फिर फाइनेंस मिनिस्टर आए, वो फाइनेंस मिनिस्टर की मेरा ख्याल है हिज हार्ट वॉज एट द राइट प्लेस, मिफ्ता की बात कर रहा हूँ मैं, एंड मतलब वो उनकी सोच सही थी लेकिन उनकी पास शायद पावर नहीं थी, और दूसरा या फिर वो जो जो अपने जो एक्सप्रेस करते थे और जो वो समझते थे वो एक्सिक्यूट नहीं कर पाते थे, जो वो ये पॉलिटिकल खुद भी कह कंपल्शंस चुके हैं थी कि या क्या हम थी। अग्री करते थे वजीर आजम हाँ साहब के साथ, फिर वो कहते थे 2-3 दिन ठहर जाओ तो 1 हफ्ता हो जाता था, फिर हम जाते थे फिर 1 हफ्ता हो जाता था। वो कह चुके हैं, रिकॉर्ड पे हैं इस बात पे। तो ये तो आईएमएफ के साथ तो आपका मिस्ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है और वो रेकलेस होता जा रहा है फिर, और वो चीज उसने उसमें किया, फिर आपने जहां के जब रिव्यू खत्म भी किया तो उसके बाद फिर उस वक्त सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, इस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर है इसहाक डार साहब, ये उनको फोन करते थे मिफ्ता इस्माइल साहब को और कहते थे तुम आईएमएफ की आंखों में आंखें क्यों नहीं डाल के बात कर रहे। वो कहते थे भाई ये मुलात है, ये हालात है, वो हालात है, मीटिंग्स में उनको जाके ऊपर नीचे करते थे। मिफ्ता इस्माइल साहब डिप्रेशन में आ गए थे, एक तरफ आईएमएफ था, एक तरफ फैसलाबाद में उनकी कब्र किसी ने खोदी हुई थी, और एक तरफ डार साहब थे जो उनके ऊपर मतलब पूरा एक वो सिलसिला था। तो वो एक एक बड़ी, आपने फाइनेंस मिनिस्टर को तो चोक करके रख दिया और उसमें वो और वीक से वीक होते रहे, और वो जो है ना वो भी वो अपनी कम्युनिकेशन को ना इधर ना उधर वो स्ट्रांग कर सके, इधर कोई बात करते थे उधर जाके कोई और बात करते थे, तो एक मिस्ट्रस्ट तो बढ़ता गया ना, गैप तो बढ़ता गया। कतर वाले उनको सीरियस नहीं लेते थे और बाकी लोग उनको नहीं लेते थे, क्यों नहीं सीरियस लेते थे, क्योंकि वो एक 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 किस तरह की सिचुएशन में थे, तो वो एक गैप बढ़ता गया। फिर ये डार साहब खुद से आ गए तो इन्होंने आके, अच्छा दूसरा उस वक्त एक, अब इस को जरा मैं पीछे वापस जाता हूँ, जून मई और जुलाई के अंदर उस वक्त अच्छा स्टेट बैंक गवर्नर पहले वो एक जरा तगड़े आदमी थे वो चले गए, उसके बाद जनाब वो मुर्चा नीचे से आए और ये मिफ्ता आ गए, अब वो दोनों जो थे वो नए थे और मिफ्ता के पास पावर नहीं थी, उनको चीजों की समझ नहीं आ रही थी क्या करे, उन्होंने एक फैसला किया खुद से दोनों ने मिलके कि जी हम एलसीज की रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। जून में उन्होंने मोबाइल फोन और गाड़ियां और कुछ मशीनरी की इंपोर्ट को कम करना शुरू कर दिया, जुलाई में उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि हम ये करेंगे, क्योंकि उससे पहले वो हम जो बात करते थे समर में कि जी आप 3 दिन का वीक करें, आप 6 बजे मार्केट्स को बंद करें, आप जो है और थोड़ा सा जरा जो है स्कूल को 3 दिन करें, बाकी ऑनलाइन के कोविड की तरह का कुछ स्मार्ट लॉकडाउन करें ताकि आपकी कंजम्पशन ओवरऑल एक कंजम्पशन गिरे, ताकि आप करंट अकाउंट इस वक्त नहीं संभाल सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो ओवरऑल एक कंजम्पशन है और एक 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 ढंग के तरीके से चले। मतलब मुर्जा वॉज एट दैट टाइम गवर्नर, उसने स्टेट बैंक के अंदर ये कर दिया फ्रस्ट्रेट होके, ही वाज गुड गाय राइट हार्ट रेट प्लेस, बट वो कर नहीं सके। तो फिर मिफ्ता ने और मुर्तजा ने फैसला किया कि भाई और तो कुछ होता नहीं है, और एलएनजी भी आप जो है महंगी $30 पे जो है आप इम्पोर्ट कर रहे हो स्पॉट कार्गो उसके, वो भी अब नहीं समझ आ रही थी क्योंकि आपने 3 घंटे की लोड शेडिंग नहीं करनी। अब वो जब हुआ तो उन्होंने कहा कि जी हम ये मशीनरी के ऊपर हम जो है इनकी इम्पोर्ट को हम आधा कर देते हैं, उन्होंने आधा कर दिया। वो फिर सिलसिला हर महीने बढ़ता 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 गया, हर महीने करता रहा, इवन मिफ्ता और मुर्चा के होते, मुर्चा तो फिर चले गए थे बट मिफ्ता के होते हुए भी और चीजों की इंपोर्ट खत्म होने लग गई,
और फिर इसहाक डार ने उसको कंटिन्यू किया। इसहाक डार ने उसमें एक और फ्लेवर डाला जो उन दोनों ने किया था, वो फ्लेवर था एक्सचेंज रेट का, फ्लैग लगाने कि वो का। एक्सचेंज रेट वो कहते हैं ना, वो जब इसहाक डार आए थे ना 240 से 220 आ गया था, तो उससे कहते थे कि डार साहब से डॉलर डर गया, ठीक है ना। तो वो डर तो गया था, बट वो खैर उन्होंने कहा, वो उन्होंने वो डॉलर के साथ उनका उनकी मोहब्बत बढ़ी है कि रुपया नीचे होना चाहिए, तो वो कहते थे 200 से नीचे लाएंगे वाला ब्ला ब्ला ब्ला, वो आपको सब पता है। फास्ट फॉरवर्ड की जब उन्होंने ये करेंसी को कर दिया और एक गैप क्रिएट हो गया दोनों मार्केट्स में, तो उसने डबल डैमेज कर दिया। एक आपने एलसी रोक दी, एक आपने करेंसी को छोड़ दिया, तो वो रेमिटेंसेस को जो है ना ब्लैक मार्केट का रास्ता मिल गया। कभी कभी मुझे लगता है मतलब मैं कि ये चीजें मतलब क्यों हर दफा जब इसहाक डार साहब आते हैं या नवाज शरीफ की हुकूमत होती है, ये चीजें क्यों होती है। 1992 के अंदर जब उन्होंने ये लॉ बनाया था कि आपने कैपिटल कन्वर्जन को यहां से आपने पैसा निकालना आसान किया और वापस लाने पे फिर नो क्वेश्चन आस्क कर दिए, और एक आपने रूट बना दिया था कि यू आओ लाओ ये करो, और फिर 2013-16 में ये भी आपका बड़ा हो गया। 2009 के अंदर रेमिटेंसेस को इंसेंटिव दिया कि बैंकिंग सेक्टर में आए, शौकत अरीन उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे और उनका बड़ा एक अच्छा काम था स्टेट बैंक के उस वक्त के साथ, उस वक्त पाकिस्तान रिमिटेंसेस इनिशिएटिव वो लोग लाए थे, उसके अंदर आपने 25 रियाल 50 रियाल की या इसकी वो देते थे सब्सिडी देते थे, वो सब्सिडी देते थे कि भाई आप बुजैर अगर आप बेचते हैं ना बायर से, तो बैंक को जो फी होता है बैंक नहीं चार्ज करेगा, और यहाँ का जो जो है वो बैंक के थ्रू आएगा वो आप आगे दे देंगे, वो सब्सिडी शेयर करते थे, मतलब ज्यादा पोर्शन उधर जाता था, वहां पे थोड़ा पोर्शन इधर के बैंक को रहता था, दोनों का इंसेंटिव होता था कि वो इसको फॉर्मल चैनल पे करें, वो फी ना चार्ज करें। तो वो उससे वो चलता चलता रिमिटेंसेस बड़ी फॉर्मल सेक्टर में 2014 में 15 में फिर वो खत्म कर दी गई, फिर एक ब्लैक मार्केट क्रिएट हो गई, फिर एक पैसा बाहर जाने का हुंडी हवाले को रास्ता दिखाया गया। अभी आके भी ऐसे ऐसे 4 महीने में आपने हुंडी हवाले का रास्ता दिखा दिया। देयर आर कनेक्शंस, आई कैन सी दैट कनेक्शंस, मतलब मुझे नहीं पता इससे ज्यादा, बट बड़ी स्ट्रेंज बात है, जब भी मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार आते हैं तो ये चीज होती है, स्ट्रेंज बात है। बहरहाल उन्होंने वो कनेक्शन कर दिया, हाँ तो वो कनेक्शन हो गया, तो अब उसके बाद डबल नुकसान हो गया। आपने देखा कि वो डॉलर चला गया, वो 290 पे, ये 220 पे, तो फिर अब 275 पे जाके दोनों कहीं अभी मिले हुए हैं 270 के ऊपर। अरे बट अब वो रिमिट, अब आपने रेकलेसनेस जो है ना वो थ्रू आउट आप उसमें एक डिग्री बढ़ाते गए कि रेकलेसनेस, आपने पहले पेट्रोलियम प्राइसेस फ्रीज की, उस वक्त सब्सिडी पहले नहीं थी, टैक्स आपने फॉरगो किया, फिर सब्सिडी का एलिमेंट बढ़ता गया, फिर आपने उसको कहीं एड्रेस किया, तो फिर आपने जो है वो अपनी जो है इम्पोर्ट्स को आर्टिफिशली रोकना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद करेंसी को भी आपने पकड़ लिया, और आज आपके पास 3 बिलियन के रिजर्व हैं, और आप आपको वो IMF कहता है कि ये छोड़े, IMF आप पे किसी बात पे बात नहीं करता, और खास तौर पे इन फाइनेंस मिनिस्टर पे, क्योंकि पिछले फाइनेंस मिनिस्टर पे भी इनका असर था, तो इनसे बिल्कुल नहीं वो करना चाहता था, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर से भी कर रहा है, और ये सूरत हाल आज हमारी हो गई है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें करने के बाद रेकलेसनेस की जो 11-12 महीने की कहानी है अली भाई, उसके बाद एंड में जाके मुल्क का नुकसान हुआ। बातें वही करनी पड़ी जो पहले कर लेते तो नुकसान कम होता और एंड में महंगाई भी कम होती, स्टेबिलिटी भी आ जाती, और ये हाल भी ना होता कि अब 8 बिलियन का आपने शुरू में कहा मिनिमम गैप है। तो अगर आप सब कुछ अब कर भी लें जो 8-12 महीने पहले करना था, तो फिर भी आप आपके हाथ में नहीं है बात, राइट? एंड आई जस्ट डोंट, मेरा तो बेसिक क्वेश्चन इस पूरे क्राइसिस में ये है कि ये लोग सोच क्या रहे हैं। कुछ अजीब सी मतलब मेंटालिटी है कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ कैन यू रन एंड मेक दीज डिसीजंस टाइम एंड टाइम अगेन, दैट एज यू एक्सप्लेन ब्रिलियंटली दैट हैव ब्रॉट द इकोनॉमी टू अ ब्रिंक ऑफ डिसऑर्डरली डिफॉल्ट। अब हम डिसऑर्डरली डिफॉल्ट की तरफ आ गए हैं और अब बात हो रही है कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। अब डेट रिस्ट्रक्चरिंग इन एन इलेक्टोरल साइकिल, गिवन वेयर द इकोनॉमी इज, गिवन द लैक ऑफ ट्रस्ट द क्रेडिटर्स हैव इन पाकिस्तान, इज दैट इवन द राइट अप्रोच? व्हाट्स योर व्यू? देखिए जी, अब आप 3 बिलियन के रिजर्व पे आप पहुंच चुके हैं, और अगर आपका ग्रॉस फाइनेंसिंग गैप इतना बड़ा है वो आप नहीं मीट कर सकते, तो आपको आज ही डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आज से, मतलब है कि 1.5 महीने में। अगर आप ये नहीं करते और इस IMF प्रोग्राम को लेकर चल जाते हैं, तो अगले प्रोग्राम के साथ भी आपको कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपको थोड़े से नंबर्स रन थ्रू कर दूं कि नंबर्स क्या है, और मैं हमारा दोस्त है ना अमार,
उसकी तरह मैं आज आपको थोड़ा सा भाषण दूं कि डिफॉल्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो अब वो जो है कि आप नंबर इस वक्त देखिए, आपकी जो डेट है उसका तकरीबन 40% आपका एक्सटर्नल डेट है, जो 100 बिलियन डॉलर से थोड़ा सा कम है। उसमें 80 बिलियन डॉलर का तकरीबन पब्लिक डेट है, और ये नंबर मैं 3 महीने पुराने बता रहा हूँ, 4 महीने पुराने बता रहा हूँ, जो सितंबर के हैं शायद। उसके बाद अब तक जो है वो मतलब नंबर और ये इससे कम हो चुके हैं, कोई डेट तो हम रीपे कर चुके, रिजर्व गिर रहे हैं ना। तो और उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटीज है। अच्छा, फिर इनकी हमारी जो IMF की ग्रॉस फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है वो अगले 4 साल की 35 बिलियन ईच है तकरीबन, 35-36। अच्छा, उसमें ग्रॉस फाइनेंस एग्जाम्पल में उन्होंने कहा कि 10-11-12 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है। फिर उसमें जो रिजर्व की बॉटम लाइन है वो 17 बिलियन से 17 से 22 तक जाते हैं। अगर हम उस तो नीचे वाली चीज को हम 10 बिलियन तक हम ले आए कि जी हम कहते हैं रिजर्व हम 10 बिलियन पे रखते हैं, और करंट अकाउंट को हम कह दें कि जी 5-6 बिलियन पे हम लेके आते हैं थोड़ा, तो हमारी जो ग्रॉस जो जो शॉर्ट टर्म डेट नीड्स हैं, अच्छा शॉर्ट टर्म डेट नीड्स, ये फिर तो आप इस कैलकुलेशन को होल्ड करके रखें, शॉर्ट टर्म डेट नीड्स जो है जो पे करनी है वो 13 बिलियन ईच है फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, और उसमें से 3 बिलियन प्राइवेट सेक्टर की है, 9.7 बिलियन गवर्नमेंट की है। तो वो 9.7 बिलियन की जो नीड है ना वो माइनस में चली जाती है अगर आप रिजर्व को और करंट अकाउंट को दोनों को आप मतलब एक को 10 बिलियन पे ले आए इंस्टेड ऑफ 20 बिलियन, 17 to 20 बिलियन, और एक को 10 to 12 बिलियन या 5 to 6 बिलियन पे ले आए, तो ये आपकी खत्म हो जाती है। बट यू हैव अ इमीडिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस यू नीड, एंड और दूसरा फिर आपका डेट जो है वो 40% जो डेट है दैट इज अबाउट 30% ऑफ योर GDP और समथिंग। तो आपका वो जो डेट है फिर एक्सटर्नल डेट की बात हो रही है, दैट्स नॉट दैट बिग इन मैग्नीट्यूड एंड इट्स स्ट्रेच, उसकी डेट रिपेमेंट भी ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3-4 इज नॉट दैट बिग। द प्रॉब्लम इज दैट यू सिटिंग एट द रिजर्व ऑफ 3 बिलियन एंड वट एवर इट इज दैट्स नॉट देयर फॉर यू टू पे, दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट ईयर, इट्स अ सिमिलर प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको थोड़ी सा कुशन मिल जाए ना 7-8 बिलियन का, 10 बिलियन का, तो देन यू कैन कंटिन्यू एंड वर्क ऑन दैट विद सम सर्टेन ऑस्टेरिटी टू कम इन प्लेस। और आपका अब डेट की कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, आपका 40 बिलियन प्लस डेट जो है आपका वो मल्टीलेटरल IMF वर्ल्ड बैंक एंड ADB मेनली, फिर आपका कुछ 30-odd बिलियन आपका जो है वो डेट और लाइबिलिटीज मिला के वो आपकी जो है इनसे है आपकी चाइना से और आपके फ्रेंड्स GCC से, और फिर उसके बाद कोई आपका 8 बिलियन 7 बिलियन का आपका यूरो बॉन्ड है, और को 8 बिलियन 7 बिलियन के क्योंकि ये कम हो गए हैं नंबर, पहले तो ज्यादा थे, तो आपका कमर्शियल डेट, और कमर्शियल डेट भी जो है वो ज्यादा आपका उन्हीं चाइना मुल्कों की चाइना स्टेट वगैरह इंक्लूजन के से साथ चाइना, तो वो भी वो उनके बैंक अपनी गवर्नमेंट के बड़े अंदर इन्फ्लुएंस होती है। तो आपने बैठना है चाइना के साथ, आपने बैठना है सऊदी अरब के साथ, और आपने बैठना है IMF के साथ, आप इन तीनों को मिला लें, आपको कोई डेट रिस्ट्रक्चर नहीं चाहिए। आपने क्या करना है, IMF को मिलाना है, उसके प्रोग्राम में रहना है ताकि मल्टीलेटरल जो है वो अपना डेट जो है वो उसको पे करते रोल ओवर करते रहे, और ये ममालिक जो है चूंकि ये IMF का क्वेश्चन चाहते हैं, इनसे आप कहकर जी हमें 15 बिलियन दें हमें अगले 5 साल के लिए इस पे, और हम आगे आपको करें और फिर साथ इन्वेस्टमेंट करें, बाकी फिर इन्वेस्टमेंट, पहले ये आपको 15 बिलियन का एक क्वेश्चन मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट आ जाती है, बट वो 3-4 साल आप IMF के प्रोग्राम में रहेंगे, इस तरह की कंडीशंस के साथ ये चलेगा ताकि आप उस रिफॉर्म को करें स्टेप बाय स्टेप जो IMF कह रहा है, वरना वो किसी वक्त भी वो चीज खींची जा सकती है। तो वो एक एक आप एक दफा जब उस लेवल से निकल जाएंगे, आपको लेके चलेंगे, सस्टेन करेंगे इधर ही, मतलब 10-12 बिलियन के रिजर्व पे या 15 बिलियन के रिजर्व पे विद मैनेज करंट अकाउंट, तो आप फिर उसके बाद देन यू गो टू गो ऑन योर ओन, लेकिन ठीक है आप ना। देखें ना, आपने ये नंबर्स एक्सप्लेन हाँ किए एंड आई एग्री विथ यू ऑन द नंबर्स कि ये एक तरीका है। मसला अली भाई इसके अंदर सारा का सारा ये है कि ये इकोनॉमिक मसला नहीं रहा ना। अब मसला ये है कि आप मुझे अगर कहें कि आप मुझे 10-15 अरब दे दो, मैं IMF सऊदी और चाइना मैं हूँ, ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा भाई आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। आपके साथ हम ये काम कर करके देख चुके हैं कि आप लेते हैं पैसे और 6 महीने बाद आपकी पॉलिटिकल साइकिल में कुछ ना कुछ हो जाता है डोमेस्टिक सीन में, और आप जो है वही करने लगते हैं जो आप हमेशा करते हैं, किसी ना किसी तरह पैसे उड़ा देते हैं वो, और यू डोंट सस्टेन द पेस ऑफ रिफॉर्म्स। सो अल्टीमेटली वुड इट बी फेयर टू से दैट दिस इज लेस ऑफ अ इकोनॉमिक इशू
and more of a domestic political problem where successive governments don't do the right level of reform and sustain them. Because agar ye sustain ho raha tha to hum to yahan baithe hi nahi hote na, ye baat kar hi nahi rahe hote, hum kuch aur baat kar rahe hote aaj baith ke. Dekhe, it's an economic issue. First we need to understand that, and first we need to realize that ki this issue is brewing up for at least for the past 15 years. Yes. 2007 mein jab General Pervez Musharraf ki hi hukumat thi aur us waqt jab lawyer movement hui thi aur us waqt jab ye emergency hui thi, since then this is on the decline. Uske main aapko misal deta hu, 2002 se 2006 ke darmiyan इस मुल्क में सिर्फ ये नहीं हुआ था कि वो बाहर से पैसा आया था, इस मुल्क के अंदर इस मुल्क के लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी. यहाँ पे मिलियन मिलियन टन के फर्टिलाइजर टन प्लांट लगे थे, बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट एग्रो ने लगाया था, उसमें फर्टिलाइजर में और एक्सपेंशन हुई थी. इसके बाद टेलीकॉम के अंदर बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट आई थी, डीरेगुलेशन हुई थी, बैंकिंग के अंदर बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट आई थी, ऑयल एंड गैस के अंदर आई थी, और एक इन अ ट्रू सेंस एफडीआई आ रही थी इस मुल्क में, जो कि एक चल रही थी. फिर आपकी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी आप देखते हैं तो वो उसको जीडीपी के अंदर वो जो एक वो एक वो चीज आ रही थी कि उसमें एडजस्टमेंट हुई थी, बट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट गॉट अप फ्रॉम 5 बिलियन टू 11 बिलियन, ठीक है ना, 12 बिलियन, जो उसके बाद वो स्टेगनेंट रही है बहुत सारे साल और अब फिर 15-18 पे गई है. तो वो एक इन्वेस्टमेंट आई थी और सारा कुछ हुआ था. साथ साथ आपके मुल्क में कंज्यूमरिज्म भी खुला था और आपके मुल्क में रियल स्टेट भी खुला था, बट एक एक आप एक पाथ की तरफ जा रहे थे जिसमें ओवरहीटिंग हो रही थी, जिसको मैनेज करना था. आपने 2005 में ओवरहीटिंग हुई, आपने 7.5 से 9% पे इंटरेस्ट रेट किया, उससे पहले 2 साल पहले मार्केट रेट 2% का था और उसको आपको मैनेज करना था. 2006 के अंदर आपने उसको, इशरत साहब उस वक्त गवर्नर थे, उन लोग मैनेज कर रहे थे. फिर बट फिर वो जब वो पॉलिटिकल साइकिल में वो चीजें आई, वो चेंजेस आई, तो फिर मतलब आपकी सारी रैशनैलिटी वो विंडो से बाहर चली गई. और उसके बाद फिर जो सक्सेसिव गवर्नमेंट आई, फिर उन्होंने जो है वो उन्होंने सारे वो सूबों के पास पैसे आ गए, खर्चे वहां पे भी रहे, इधर भी हो गए. यहाँ पे उसमें जो है एम्बेसलमेंट बहुत ज्यादा थी सूबों में, और वो फेडरल जो है वो बैंकरप्ट होता गया, तो फिर इवेंचुअली वो बिल्टअप हुआ. उससे बाद आप बैसाखडा के जमाने की 2-3 साल की ग्रोथ थी, उस ग्रोथ के अंदर सीपैक के प्रोजेक्ट लगे थे. सीपैक के प्रोजेक्ट में एक तो पावर प्रोजेक्ट थे जिसमें बाहर से इन्वेस्टमेंट आई थी, आज वही पावर पैसे ले रहे मुल्क के अंदर. इन ट्रू सेंस तो इन्वेस्टमेंट को बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया. इमरान खान के जमाने में थोड़ा ये हुआ कि ये वो जो स्टेट बैंक ने वो एक जिसको लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं वो टर्फ दी थी, वो उसकी वजह से कैपिटल एक्सपेंशन हो गई, बट उसके बगैर वो कैपिटल एक्सपेंशन भी नहीं आपकी इतनी होनी थी कुछ बहुत ज्यादा. तो वो प्रॉब्लम है. और कंजम्पशन आपकी थ्रू आउट ग्रो करती गई, ठीक है, आपका रियल एस्टेट बूम थ्रू आउट ग्रो करता गया और इसको सब सपोर्ट करते गए. रिमिटेंसेस थ्रू आउट ग्रो करती गई, उन्हीं रिमिटेंसेस पे हम कंजम्पशन करते गए. तो ये डच डिजीज जो है ना, ये कैंसर बन गई आपकी. तो यू हैव टू शिफ्ट दैट मॉडल. हाँ, ये मैनेजेबल अगले 3 साल 5 साल 7 साल कुछ मैनेज हो जाता, और उसको मैनेज करते करते आप आराम से अपने आप को इससे निकाल भी सकते थे. ये जो आज आपकी बिल्कुल ये डिफॉल्ट और ये इस तरह की जो सिचुएशन आ गई है, ये पिछले 11 महीने की जो कहानी है, और उसमें ट्रिगर पिछले 4-5 महीने जो आप कह लें कि वो जब से ज्यादा था वो था. तो अब आप कमिंग टू द बैक टू द पॉलिटिकल सिनेरियो इन इन दिस के जी, हाँ, आज आपको इससे बाहर निकालने के लिए आपको पोलिटिकल सोल्यूशन चाहिए. और मैं आप बताइए, हर आर्टिकल में हर जगह ये बात करता हूँ कि आपको एक पोलिटिकल सोल्यूशन चाहिए. चार्टर ऑफ इकोनॉमी इस तरह का नहीं चाहिए कि भाई मैं स्टेप ले रहा हूँ तुमने बोलना नहीं. पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए जिसमें आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें आपकी स्कोर्स, जिसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी, जिसमें आपकी पीपल्स पार्टी, आपकी PMLN, PTI, ये मीडिया, ये सब बैठे और सब कहे कि जी हमने मुल्क को इस तरफ लेके जाना है और हमने इन इन चीजों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और इन इन चीजों पर ये रेड लाइन्स है. और फिर अक्रॉस द पार्टी मतलब लीडरशिप में नीचे से उनके यहाँ से गंदे अंडे निकले और फिर साफ लोग उनके आए और थोड़ा सा जरा हम कुछ लोगों को रिटायर भी करते. जो 70 साल के जो लोग हैं ना हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, और कुछ 40 साल 30 50 साल के इस तरह 60 साल के यंग लोगों को भी ले आए, ठीक है ना. तो विश लिस्ट, अली भाई, विश लिस्ट आपकी बड़ी लंबी है, बट इसके चांसेस आपको क्या लग रहे हैं? मुझे तो बड़े नहीं लग रहे, क्योंकि इस वक्त तो एक तरफ जेल भरो तहरीक चल रही है, एक तरफ इलेक्शन डिले की बात हो रही है, एक तरफ कहा जा रहा है डिस्क्वालीफाई एक और फॉर्मर वजीर आजम को किया जाएगा,
अल्टीमेटली आई एग्री विथ यू, इसका सोल्यूशन पहले पॉलिटिकल है, बाद में इकोनॉमिक आ जाएगा. लेकिन जहां हम खड़े हैं फरवरी 2023 में, और इलेक्टोरल साइकिल एट द मोस्ट यू कैन एक्सटेंड इट टू अक्टूबर, कॉन्स्टिट्यूशनली मैं बात कर रहा हूँ जनरल इलेक्शंस की, होगा ये पाकिस्तान का टाइम तो नहीं है, सब 6 महीने तो नहीं है मुल्क के पास ये फिगर आउट करने के. देखिए, आपको इस वक्त तो मेरा ख्याल है, इस वक्त तो हमारी तरफ से बड़ी क्लैरिटी है कि हमने आईएमएफ प्रोग्राम में जाना है, और हुकूमत में जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब है, अगर उन्होंने रिजाइन नहीं किया, बट आईएमएफ इफेक्टिवली अब प्राइम मिनिस्टर से डील कर रही है, ये तो आप क्लैरिटी आपको भी आ चुकी हुई है, और प्राइम मिनिस्टर और फिर आगे आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी भी बड़ी क्लैरिटी है कि इस तरफ हमने जाना है, क्योंकि अदरवाइज उन सबको ये पता चल चुका है कि सऊदी अरब चाइना हमारे साथ नहीं इतना सपोर्ट कर सकेगी, और उसके बाद हमारे यहाँ वाइड स्प्रेड शॉर्टेजेस होगी, और फिर भी हम आईएमएफ के पास दोबारा जा रहे होंगे जैसे श्रीलंका में हो रहा है, तो वो चीज़। और आप देखें, एफटी ने भी आर्टिकल लिखा है जिसमें उसने क्या है कि चाइना को, सऊदी अरब को, आईएमएफ को, कि भाई ये पाकिस्तान को इससे बचाओ, हमें एक और ये ना हो कि फिर एक और वो डिफॉल्ट हो और फिर आप इनको बचाने आओ। उसका आखिरी पैराग्राफ पढ़े, वो पैराग्राफ भी ये कहता है, ठीक है ना, उनको एड्रेस करते हैं, तो हम अपने लोगों को भी एड्रेस करते हैं कि ये आप ना करें, आप इस तरफ से निकलें, क्योंकि इवेंचुअली आपने पॉलिटिकल सेटलमेंट भी करनी है, वो भी करना है, और सब कुछ वही होगा जो हम कह रहे हैं, वो जो 11 महीने पहले जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, अब वो 5-6 महीने और गुजारे, 2 महीने और गुजारे, और एक और इंतहाई तकलीफ के गुजारे, फिर आपने जाना है, तो उसे बेहतर है आज आप चले जाए। तो ये जितनी जल्दी ये समझेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि अभी आप कहते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर, देखे जी जब से ये के गवर्नमेंट आई तो ये लाहौर में, इस्लामाबाद में, हर जगह से एक ही आवाज आ रही थी, इलेक्शन ही होने, इलेक्शन में। अब पिछले कुछ 2-4 दिनों से कुछ जगहों से ये भी आवाजें आने लग गई हैं कि जी केयर टेकर सेटअप आ रहा है 2 साल का, तो हर तरह की आवाजें आ रही हैं। मुझे बहरहाल ये लगता है कि ये कुछ, ये हुकूमत कुछ ज्यादा टाइम नहीं गुजार सकेगी, 4-6 महीने से ज्यादा, क्योंकि और उसके बाद आपको ये कोई पॉलिटिकल कंसेंसस करके केयर टेकर को, देखिए एक तरीका ये है, आप ये अभी फिलहाल को आईएमएफ की तलवार उतारे, और उसके बाद आप पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाएं और कहें जी केयर टेकर लाए, और केयर टेकर 3 महीने नहीं, 6 महीने या 9 महीने रहे, और आपस में फैसला करें। 2 साल कहते हैं आप, उन्हें 6 महीने तक इमरान खान को बना लें, 6 महीने तक मान जाएंगे मेरे ख्याल में वो, और नहीं, उन्हें बात कहें तो कि फिर जी भी नया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही होगी ना अली भाई. नहीं सुन सुन तो लेना, चले अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक इमरजेंसी की है जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी, सब सब स्टेक होल्डर अगर मिलके बात कर रहे हैं कि जी हम में से कोई उस आईएमएफ प्रोग्राम को वो नहीं करेगा, हम सब मिलके उन करें, तो उसका इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन तरीका बता दो। चले मैं इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन तरीका बताता हूँ, वो यूनिटी गवर्नमेंट का तरीका है, वो यूनिटी गवर्नमेंट है कि जी आज इमरान खान और उनके लोग वापस आ गए हैं, आज आप प्राइम मिनिस्टर को आप जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के थ्रू निकालें, और एक नया प्राइम मिनिस्टर न्यूट्रल जो है कोई लाए जो सबको एक्सेप्टेबल हो, और हर पार्टी से अच्छे अच्छे लोग ला के, न्यूट्रल ठीक वर्ड आपने है गलती से ना। यूज किया है अली भाई, नीचे कमेंट आने वाले हैं कि आप दूसरी तरफ न्यूट्रल का इशारा कर रहे हैं. नहीं, मेरा मेरा मैं मतलब, आपको मेरा करेक्ट कर दूं इससे पहले कि अच्छे कमेंट्स लोग, आए. अच्छे लोग, अच्छे लोग मतलब खाकान अब्बासी हो गए, असद उमर हो गए, ठीक है जी, इस तरह के लोग आपके जो है ना, पीपल्स पार्टी में भी ऐसे लोग हैं, तो मैंने 2 नाम लिए हैं और बहुत सारे आपको नाम ऐसे मिल जाएंगे, इस तरह के लोगों की हुकूमत बने, एक यूनिटी गवर्नमेंट बने, एक एक प्राइम मिनिस्टर जो हो जो सब पार्टीज को एक्सेप्ट कर, एक्सेप्ट हो, ठीक है जी, और वो एक रिफॉर्म करे अगले, और आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलाउंस है कि 1 साल तक आप इलेक्शन डिले कर सकते हैं, अक्टूबर 24 तक उसको लगाए, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के, और वो एक आईएमएफ का नया प्रोग्राम करे, उसको रिफॉर्म पास करे, और उसके बाद आप इलेक्शन पे जाएं, और फिर जो नया आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन तरीका भी है इसका, उसको बिठा के, या 6 महीने यूनिटी गवर्नमेंट चलाएं या 12 महीने चलाएं, इस पे आप बहस कर सकते हैं, या 9 महीने चलाएं, बट उसको लेके चलाएं, और आप एक, क्योंकि आपने ये देखे डेट रिस्ट्रक्चरिंग मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है, अभी तो हमने एक्सटर्नल डेट की बात की, आपने मेरे से डोमेस्टिक डेट का सवाल नहीं पूछा, वो अगर उसके अंदर बात चली जाती है तो मतलब मैं और मेरी तो रातों की नींदें हराम हो गई है, उस अगर उस पर चली जाती है बात, तो वो आसान नहीं है, वो आप उस तरफ ना जाए, फिर शॉर्टेजेस, फिर दूसरा मुल्क में शॉर्टेजेस होंगी, बीट शॉर्ट हो जाएगा आपके मुल्क के अंदर, पेट्रोल शॉर्ट हो जाएगा आपके यहाँ, इतनी नौकरियां निकल रही है कि ऑलरेडी आप देखे साइंस, आप जाके कराची में आप जरा चेक करें जाके, वहां पे अभी भी जो है ना इंडस्ट्रियल एरियाज में इंसिडेंट्स हो रहे हैं सोशल अनरेस्ट के, फैसलाबाद में होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, पहले ये कराची में इंडस्ट्रियल एरिया होंगे, फैसलाबाद के अंदर होंगे,
और ये आस्था परमिनेट करेगा कि बहुत बड़ी वर्कफोर्स जो टेक्सटाइल एंड एक्सिलरी इंडस्ट्री से जो इस वक्त फारिग हो रही है और जिस तरह का महंगाई का तूफान आ रहा है, तो वो होंगे, उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करे ना करे, इरिस्पेक्टिव होंगे। आप इस चीज को और से देखें, हम श्रीलंका की तरह नहीं है, यहाँ पे लोगों के पास असला भी है, यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की एजेंसीज भी काम करती हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की मूवमेंट्स हैं जिनको सप्रेस भी किया और हुआ है। 23 करोड़ लोग हैं, मतलब श्रीलंका जितना छोटा मुल्क नहीं है। आई मीन दैट्स वो हाँ पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली हाँ अकेला ही काफी है ये पॉइंट करने के लिए, बाकी चीजें तो और तड़के के लिए ऊपर। बट आई एग्री विथ यू एंड आई थिंक दैट टू मी हैज बीन यू नो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन अली भाई हैज बीन द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग इज के दे आर स्लीप वॉकिंग इन टू अ डिजास्टर। एंड मुझे इस वक्त तक एटलीस्ट वो आसार नजर नहीं आ रहे जहां कोई उठा हो और उसको समझ आई हो, एटलीस्ट एट दैट वेरी सीनियर लेवल, जो समझे कि ये एक भयानक ख्वाब जो है वो रियलिटी बनेगा अगले चंद हफ्तों में बेसिकली। अब अगर आपने जैसे कहा कि IMF से तो बात हो जाएगी, आज जुम्मे का दिन है, मैं कहता हूं अगर अगले जुम्मे तक ये बात पूरी क्लैरिटी से नहीं हल हुई तो यू आर बेसिकली ऑलरेडी फॉलिंग इन टू द अबिस इन माई व्यू एटलीस्ट। और उसके अंदर फिर ये सारा आपने सिनेरियो बताया इन द नेक्स्ट 6 months, 8 months, 12 months, आई डोंट नो, आई विश, आई होप आई एम प्रूवन रॉन्ग, बट मुझे जो ये रूलिंग क्लास है पाकिस्तान की इस वक्त, उससे कोई सिग्नल जैसे नहीं आ रहे जिसको देख के मैं कह सकूं कि यार आई एम अ बिट मोर होपफुल कि मेरा जो सिनेरियो है वर्स्ट केस का उसको मैं रिवाइज करने लगूं टू द बेटर साइड। राइट, सो फार थ्रू आउट द लास्ट 11 months, एंड आई थिंक यू विल अग्री इन योर ओन असेसमेंट एज वेल, इट्स ऑलवेज बिन कटिंग डाउन ऑन द रेटिंग एजेंसीज। ऐसे कट करती हैं, हम भी अपने सिनेरियोज जो हैं वो कट ही कर रहे हैं प्रॉबेबिलिटीज के टूवर्ड्स द वर्स्ट केस साइड। एंड आई एम एट अ लॉस के कहाँ जाके ये होगा, क्योंकि इस वक्त तो वो मूड में ही नहीं लग रहे कहीं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ये बात आपकी ऐसी कि ये अगर हम नीचे चले गए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मतलब वो ये था ना, यू हिट द बॉटम एंड जाम, तो यस, बट बॉटम अभी कितना नीचे है, वी डोंट नो, हाँ, वी डोंट नो। द बायस ये है कि आप कितना और नीचे जा सकते और हैं, उसके बाद आपके और पास सांस होगी लेने की ऊपर आने के लिए कि नहीं। हाँ, और वो कितना टाइम लगेगा उसमें, और ये जो जो सोशल डिवाइड है वो इतना बढ़ चुका है कि एलीट बबल में है। एटलीस्ट वैसे मैं बताऊँ, यहाँ पे लाहौर में कराची के अंदर जो बिजनेस एलीट है ना, वो फिर थोड़ी सी वो मैं उसको परेशान देख रहा हूँ। मैं अपने बिजनेस एलीट में जब बात करता हूँ, वो बाकी परेशान है, वो पिछले 15 दिन महीने 2 महीने से परेशान है, उसकी परेशानी बढ़ती जा रही है, विजिबल परेशान है। एक इस्लामाबाद के अंदर एक एलीट है जो ब्यूरोक्रेट एलीट है, जो आपके पॉलिटिशियन है, वो एक अलग ही बबल में रहते हैं, वो वो एक अलग ही खसारों पे चीज में चल रहे हैं रहते ना अली हैं। भाई, वो खसारों पे, फिस्कल अच्छा, डेफिसिट पे पल रहे हैं। एक कंपनी वाले ने कहा, जी बड़ी कंपनी है कि हम आप जो है वो निकालते हैं, हमने प्रॉफिट तो रिपेट्रिएट करना है, डिविडेंड देना है, हम वो नहीं निकाल पा रहे, तो कहते हैं कोई मसला नहीं, इस मुल्क में इन्वेस्ट कर दे। तो भाई वो कंपनी आप उसे ऐसे कहेंगे तो उसके पास 90 मुल्क और है जहाँ पे इन्वेस्ट कर दे। पाकिस्तान से बहुत दुनिया है, वो कोई मियाँ मनशा थोड़ी है कि जिसमें जाके छोटे मुल्क में इन्वेस्ट करना है। मियाँ मनशा भी बड़ा होता जा रहा है, बट वो कंपनी तो दुनिया में किसी भी मुल्क में कर सकती है। वही MNCs जो है ये कुछ चंद रह गई है पाकिस्तान में, मतलब वो भी एक एक करके एग्जिट करना है, एक एग्जिट करेगी तो देखिए क्या होता है। ये आप बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, बहुत ही खतरनाक। अब आपको मैं एक बताता हूँ, एक जो है कंपनी जो आपके पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही होती है, बड़ी आपकी IBM एक बहुत बड़ी कंपनी है, IBM जो है कोर बैंकिंग सोल्यूशन में भी है, उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने कोर बैंकिंग सोल्यूशन पाकिस्तान से वाइंड अप कर रही है। अब वो एक मुल्क के लिए बहुत बड़ा लॉस है, आपकी पूरे मुल्क की जो बैंकिंग सीक्रेसी है वो चैलेंज हो जाती है, और चीजें हो जाती है। आपको आपको इस तरह की चीजें चाहिए होती है, बहुत बड़े खतरनाक मामला है। और ये इस कहते हैं ना कि हर घर का एक बड़ा साहब होता है, एक हर मुल्क सेठ होता है, तो हमारे मुल्क के जो बड़े साहब हैं वो बड़े साहब अभी मुझे लगता है मतलब समझ नहीं आ रही वो क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। जो अपेरेंटली जो लग रहा है वो तो मुझे पता है, आपको पता है, सारा सारा जमाना बात कर रहा है, बट वो जो अपेरेंट बात हो रही है वो सेंस नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में वो उनकी कुछ सोच है, मैं अभी भी थोड़ी उम्मीद रखता हूँ कि शायद वो मुल्क के लिए वो बेहतर ही चाहते हैं, और वो मुल्क के साथ मुल्क मुल्क को अच्छा चाहते हैं, तो वो उसको कोई कोई अमिकेबली उससे ऐसे वो कंसेंसस पे लाएगी जहाँ से चीजें आगे बढ़ाई जा सके, वरना तो फिर मतलब बहुत मतलब फिर आप फिर
फिर ये बात है ना, फिर इंस्टीट्यूशन टूट जाएंगे। एक बहुत सारे इंस्टीट्यूशन टूटे हुए, एक आधा रह गया वो भी टूट जाएगा। बहुत खतरनाक सिचुएशन है, नहीं, बहुत खतरनाक सिचुएशन। आई एग्री विथ यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो कैंडिड एंड वी विल हैव यू ऑन अगेन फॉर अ कॉन्वर्जेशन. अभी देखते हैं अगले 3-4 दिनों में क्या होता है. एंड आप तो ऑन ग्राउंड है. मुझे तो डीसी से डर लग रहा है. मैं अपने मेरे माय पेरेंट्स लिव इन पाकिस्तान. मेरी जब बात होती है लोगों से, दोस्तों से, आप जैसे लोगों से, तो द डेटा पॉइंट्स आर, पीपल आर कंसर्न, बट यू आर ऑन पॉइंट. जब आप इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेटिक क्लास से बात करते हैं ना, तो आपको लगता है कि यार ये मतलब कोई अजीब ही दुनिया में रहना. मेरा एक्सपीरियंस हुआ था, आई वॉज इन पाकिस्तान लास्ट सेप्टेम्बर. तो सितंबर में मैंने 3-4 लोगों को इस्लामाबाद में कहा कि मुझे लगता है कि आप स्लीप वॉक कर रहे हैं इनटू अ क्राइसिस. दिस इज गोना लीड टू अ डिसऑर्डरली डिफॉल्ट सिनेरियो. स्टार्ट प्लानिंग टू मिटिगेट इट. वो हैरान कि आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं. मैं उनको कहा, भाई आप मतलब अखबार नहीं पढ़ रहे क्या? मैं तो ये बात भी नहीं कह रहा कि आप कोई एनालिसिस करें बैठ के. मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप बिजनेस का डॉन, ट्रिब्यून, बी रिकॉर्डर का बिजनेस सेक्शन या बी रिसर्च या ओपिनियन पेजेस ही अगर पढ़ लें पिछले महीनों में, तो आपको मालूम है हालात किस तरफ जा रहे हैं. वो नहीं, उनको समझ ही नहीं आ रही थी बात. एंड आई थिंक दैट्स कंटिन्यूड. बट एनी वेज, आई एग्री, वी नीड कंसेंसस. वी नीड पीपल टू रियलाइज दैट दिस इज नॉट अ क्राइसिस दैट यू वॉन्ट टू कंटिन्यू ऑन विथ, क्योंकि इट्स अ ब्रेकिंग पॉइंट लेवल पे आ चुकी है बात. एंड होपफुली पीपल लिसन. बट अगेन अली, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड विल हैव यू बैक ऑन, मे बी होपफुली ऑन अ हैप्पियर नोट देन परहैप्स दिस वन. Hopefully, अंटिल देन, खुदा हाफिज. बाप रे, टेक केयर।